हाई एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ह्यूज पर्पल हॉल, एंड व्हेन आई से ह्यूज, इट इज़ ह्यूज। इसमें भरा पड़ा है प्रोडक्ट्स। तो बस मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली पर्पल पे से, एंड देन बहुत टाइम बाद भी शॉपिंग करी है जाकर, तो इतना तो बनता है ना। और उसके अलावा कप्स एंड लैशेज की भी, उनकी शायद 4th एनिवर्सरी सेल चल रही थी, तो इसलिए और मैंने कप्स एंड लैशेज से काफ़ी प्रोडक्ट्स पिकअप करे हैं। तो बस ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इंट्रो, बिकॉज वीडियो लंबी होगी। लेट्स जस्ट क्विकली डाइव इनटू द वीडियो एंड सी व्हाट ऑल आई गॉट फॉर माई सेल्फ। ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रही हूँ ना, जब मेकअप की बात होती है तो मैं इतनी एक्साइटेड जाती हूँ। कमेंट मी डाउन अगर आप भी ऐसे ही होते हो। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे हाथ में स्किन केयर आया है, ये है एल्प्स गुडनेस का स्विस लव गोल्ड फेशियल किट विद सैफरिन। इसमें पूरे फेशियल सैशेज होंगे, व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज ये 150 का पैक मिलता है, एंड ये मुझे 99 रुपीज़ का मिला। तो मैंने एल्प्स गुडनेस का कभी भी फेशियल ट्राई आउट नहीं कराया है। मैं इस पर सेपरेट रिव्यू वीडियो या फिर शॉर्ट्स कुछ ना कुछ बनाऊंगी, तो आपको अगर रिव्यू जाना है तो आप वो देख सकते हो, थोड़े टाइम में आ जाएगा। नेक्स्ट आई हैव लैक्मे की ये लूमी क्रीम, जो कि 30 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है फॉर 299, बट मुझे ये 199 का मिला था अगेन सेल्स। आपको भी मिल जाएगा, सेल्स एंड डिस्काउंट्स पर नजर रखते रहो। काफ़ी अच्छी लूमी क्रीम है, मैंने इस पर एक शॉर्ट डेडिकेटेड शॉट बना रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं प्रिसाइजली अपना रिव्यू दूँ, आई लिटरली लव्ड इट। एकदम नेचुरल ग्लो देती है, नो चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स, आई लव्ड इट। जस्ट गो एंड ट्राई दिस वन। देन आई हैव बंच ऑफ लिपस्टिक्स फ्रॉम फेसेस कनाडा, जो कि कॉम्फी मैट लिप कलर्स है। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा बाय कर लिए इसके कलर्स, बिकॉज आई रिमेंबर मुझे 1 से 1.5 साल पहले ब्रांड ने खुद ही अपने 2 लिप कलर्स भेजे थे इसके, मुझे वो लिप कलर्स बहुत पसंद आए थे, एंड देन आई डोंट नो क्या हुआ, ये मेरे लिपस्टिक में कहीं खो गए, मैंने नहीं फिर से चेकआउट कर पाई। बट अभी थोड़े टाइम पहले मैंने लास्ट मंथ ही इनको चेकआउट किया, एंड आई लव्ड द फॉर्मूला, आई लिटरली लव्ड द फॉर्मूला। तो बस मैंने डिसाइड किया इसके अच्छे अच्छे कलर्स पिकअप करते हैं जो मुझे अच्छे लगेंगे, एंड मैंने बेस्ट सेलर्स में भी कुछ पिकअप करा, सो आई हैव ऑल दीज हेयर। अच्छा आपको बता दूं, जिन्हें नहीं पता, ये बड़े वाले लिपस्टिक्स आते हैं, इनका फुल साइज लिपस्टिक आता है 425 का, ये आपको 400 या 350 तक में पड़ जाएगा, ये बड़ा वाला साइज है। बट इसका एक ट्रायल छोटा वाला आप साइज भी आता है, अगर आप बड़ा वाला ट्राई नहीं करना चाहते, लिप कलर आपको सूट नहीं करेगा, आप थोड़ा सा ऐसा डाइसी हो, जस्ट गो विद द छोटा वाला वन। दिस इज फॉर 250 रुपीज, बट आई गेस ये 230 समथिंग का भी मिल जाएगा, बट ये भी वर्थ है, आप ट्राई आउट कर सकते हो। नाउ लेट मी जस्ट क्विकली शेयर द शेड नेम्स विद यू, बिकॉज मैंने इस पर डेप्थ इन शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो इफ इन केस यू वॉन्ट टू सी कि ये क्या शेड्स हैं। बहुत ही सुंदर शेड्स हैं, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है इसका। दिस इज एक्सट्रीमली वेलवेट मैट फिनिश, बिल्कुल हाइड्रेटिंग है, लिप्स पे कुछ भी ड्राइंग नहीं है, एकदम रिच क्रीमी, जो रॉयल्टी वाली वाइब्स आती है ना, ये वही वाली लिपस्टिक वाइब्स देती हैं अप्लाई करने के बाद। देयर शेड एनी डे नाउ 04, एंड आई हैव फिक्स डेट फॉर यू 11, आई हैव छोटू वाले साइज में। दिस इज नोट टू सेल्फ 07, गेटिंग रेडी 02। इसके मैंने 2 शेड्स पिकअप करे, लाइक पहला वाला तो ब्रांड ने भेज रखा था, दूसरा वाला मैंने फिर से एक और पिकअप कर लिया जस्ट इन केस, इसका थोड़ा सा मुझे फॉर्मूला ड्राई होता हुआ लग रहा था, तो मैंने इसलिए इसका छोटा वाला शेड एक और पिकअप कर लिया। फॉर द विन 08, अदर प्रिटी शेड्स, जस्ट गो एंड चेकआउट माई शॉर्ट्स, आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट अप आई हैव दिस आई लाइनर फ्रॉम कप्स एंड लैशेज, ये उनका गुलाबो शेड है आई गेस, यस गुलाबो, अगेन वेरी प्रिटी कलर, एकदम जो ब्यूटीफुल सा पिंक कलर होता है ना, मैंने इनका ब्लैक कलर ट्राई आउट कर रखा है, एंड आई विश टू ट्राई आउट देयर लैवेंडर कलर एज वेल, बिकॉज वो आउट ऑफ स्टॉक था शायद, इसलिए मुझे नहीं मिल पाया, बट ये कलर भी बहुत प्रिटी है। आई हैव मेबेलिन हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा, ये 429 का रिटेल करता है, बट मुझे 300 का मिला, बहुत अच्छा मिल गया, एंड इसके रिव्यूज ऑफकोर्स बहुत अच्छे हैं, तो बस मैंने सोचा इसको ट्राई आउट करती हूँ, मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं करा था। डॉक्टर शेड का सेरामाइड एंड विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, ये कुछ ऐसा है, ये छोटा मिनी पैक है, एंड ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, जस्ट अ ट्रायल, बिकॉज मैं एलाइट मेंबर हूँ, तो मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। इसमें विटामिन सी कॉम्प्लेक्स, सेरामाइड कॉम्प्लेक्स एंड अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है। ओके, आई एम गोइंग टू ट्राई दिस आउट एंड आई लेट यू नो द रिव्यू। पिज्ज़ा पफ ट्राइंगल मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर स्पंज, जो कि एच पी ब्रॉन्सन किसी ब्रांड का है, एंड इसमें मुझे ये 2 मिले हैं। ये इनर कॉर्नर्स में पाउडरिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। आई वॉज थिंकिंग इसे काफ़ी लंबे टाइम से कि मैं इसे बाय करूँ, बिकॉज मैं लूज पाउडर्स बहुत यूज़ करती हूँ, आई डोंट यूज़ कॉम्पैक्ट पाउडर्स, जितना लूज पाउडर मैं पसंद करती हूँ, एंड लूज पाउडर्स मैं पॉइंटेड वाली साइड से अप्लाई करती हूँ, जब भी ब्यूटी ब्लेंडर की साइड से अप्लाई करती हूँ, बट वो थोड़ा सा थिक होता है तो उतना प्रेस नहीं हो पाता, बट दिस विल बी अ गुड सब्सटीट्यूशन फॉर दैट। मैं इसको ट्राई आउट करूँगी, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। बस नेक्स्ट आई गॉट दिस मेकअप रेवोल्यूशन कंसील एंड डिफाइन कंसीलर, मेरा शेड C10.5 है, एंड ये कंसीलर्स आर द ड्यूप ऑफ टार्ट शेप टेप, एंड मैं इसको ट्राई आउट करना चाहती थी टू ट्राई दिस आउट सो बैडली, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दिस आउट। NYBA के नेल इट चार्मिंग कैरमल 212 वाला नेल एक्सटेंशन विद एडेसिव, डू इट योरसेल्फ, एंड इसमें सारे सेट ऑफ नेल्स हैं, आई एम गोइंग टू ट्राई दिस आउट। अगर इसकी स्टिकीनेस अच्छी रहती है एंड ये ऐसे स्टर्डी होते हैं, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू, बट हम इसको एक सेपरेट वीडियो में ट्राई आउट करेंगे, एंड आई लेट यू नो अबाउट इट। मैंने एक ही बार एक्सटर्नल नेल्स
अपने हैंड्स पे पुट करे हैं, उसके अलावा मैंने कभी नहीं पुट करा। आई एम ऑल हैप्पी विद दीज नेल पेंस, और बहुत ही नेचुरल एंड अच्छी रहती है, तुरंत तुरंत चीज़ें उठा लो, प्रिसाइज एप्लीकेशन हो जाती है। तो आई एम नॉट यूज टू लॉन्ग नेल्स बट आई एम गोइंग टू ट्राई दिस आउट, फिर देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आई रिसीव्ड एन लिप लाइनर एज वेल। मैंने ये मास्क का एज ऑफ डिजाइनर लिप लाइनर भी बाय करा था। दिस इज 04 स्कैंडलस ब्राउन, परफेक्ट न्यूड शेड टू गो ऑन एवरी लिपस्टिक। बहुत ही प्रिटी शेड है, एकदम मक्खन की तरह चलता है। मैंने ट्राई करके देखा था, यू कैन सी दैट एकदम पिगमेंटेड है, मक्खन की तरह चलता है। अगेन वेरी अमेजिंग लिप लाइनर, बस इसको शार्प करने की नीड है एंड जस्ट यू आर गुड टू गो। वॉन्टेड टू बाय मार्स का ये वाला एज ऑफ डिजायर लिप लाइनर्स का पूरा सेट जो 12 का था, बट वो आउट ऑफ स्टॉक था। आई सो विश के वो इन स्टॉक आ जाए एंड आई कैन बाय दैट फॉर श्योर, बिकॉज ये बहुत अच्छे लिप लाइनर्स हैं। नेक्स्ट आई हैव कफ्स एंड लैशेज का ये कवर पॉट मेकअप प्लस कंसीलर। मेरा शेड आमंड है एंड इसकी पैकेजिंग तो अलग ही लेवल की है। कुछ ऐसी पैकेजिंग है इसकी, ये कुछ ऐसा दिखता है, आई डोंट नो ये अलग से ही रखा हुआ है यहाँ पर, बट जब हम ट्राई करेंगे ये कैसा है। ओह ये बहुत ड्राई है, आई कांट पिक दिस अप ऑन माई फिंगर, यू सी बहुत ड्राई हो रखा है। हाउ एम आई गोइंग टू पुट इट? यूजली कंसीलर्स थोड़े से जब क्रीम कंसीलर्स होते हैं ना, थोड़े से इतना सा क्रीमी होने चाहिए कि वो पिकअप हो सकें, बट ये बहुत ड्राई हो रखा है, सो आई डोंट नो हाउ इज गोइंग टू वर्क। आई गॉट एम कैफीन का ये हाइड्रेटेड एंड ब्लेमिश फ्री ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये इनका ग्रीन टी वाला ये इनका ग्रीन टी वाला मॉइस्चराइजर है। मॉइस्चराइजर फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था मुझे जस्ट बिकॉज आई एम अ लाइट मेंबर, तो बस इसको ट्राई आउट करूंगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई आउट एम कैफीन का। मैंने ग्रीन टी रेंज कभी ट्राई नहीं करी, लेट्स जस्ट सी कि कैसा वर्क करता है। बहुत ही गंदा वाला हॉल बन रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सोचा था बहुत एस्थेटिक होगा, बट प्लीज़ बेयर विद मी। और नेक्स्ट अप आई हैव एन वाई बी का मेट्स मैट लिप क्रेयॉन, शेड है 39 इन फील्ड। ये एक मरून कलर का शेड है, अगैन वेरी क्रीमी वेरी क्रीमी वेरी प्रिटी, बहुत प्रिटी शेड है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आई एम सो सॉरी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई नो आप लोग सोच रहे हो इसमें आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तीन चार प्रोडक्ट ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, जिसमें से मैं शायद तीन दिखा चुकी हूँ, एक या दो आगे आने वाले हैं, तो बस अच्छा प्रोडक्ट है, आप ट्राई आउट कर सकते हो। एंड दिस डिटेल्स फॉर ₹199, ओ सो अफोर्डेबल, आप ट्राई आउट कर सकते हो डेफिनेटली। दिस लिप क्रेयॉन्स ना बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं आपके लिप्स पे। नेक्स्ट अब आई हैव कफ्स एंड लैशेज की फॉल्स आई लैशेज, जो कि 199 की रिटेल करते हैं, मुझे 160 समथिंग की मिली। दिस इज द शेड कच, ये कच वाला वेरियंट है, बहुत ही नेचुरल सी आई लैशेज हैं इसकी, प्लस इनकी पैकेजिंग कितनी क्यूट है, लिटरली बहुत क्यूट पैकेजिंग। मुझे ये आई लैशेज अच्छी लगी, देन आई एम फॉर श्योर गोइंग टू ट्राई आउट अदर वेरियंट्स एज वेल, बट इनकी पैकेजिंग अभी तो मेरा मन मोह गया है एंड मुझे आई लैशेज अच्छी लग रही है टच करने पे। एप्लीके अगेन गाइज, हम पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और बेयर विद मी, बस तीन चार प्रोडक्ट्स और बचे हैं, बस पहुंच गए हम। नेक्स्ट अप आई हैव कफ्स एंड लैशेज के कवर इट ऑल कंसीलर्स एंड ये शेड है, एक शेड है एस्प्रेसो, जो कि मैंने एक कॉन्टोर शेड पिकअप किया था, जो कि मुझे अभी लग तो रहा नहीं है बिकॉज ये कॉन्टोर कहीं से नहीं लग रहा यार। एस्प्रेसो का शेड नाइस प्रिटी शेड। इनका एक और शेड है जो कि मैंने बनाना वाला मंगाया था, जस्ट इन केस मैं पाउडर की तरह अप्लाई करना चाहती थी। अगेन ना बनाना पाउडर, डिसेंट बनाना पाउडर, यू सी डिसेंट बनाना पाउडर। ऑल्सो मैं आपको दो चीज़ें और दिखाना भूल गई, आई हैव दिस एन वाई बे का हाइड्रेट एंड प्राइमर, ये डुई सेटिंग स्प्रे है, ये तीन वेरियंट में आता है, डुई बेस, मैट बेस एंड शिमर बेस। आई गॉट दिस डुई वाला, दिस इज फॉर फ्री इसलिए ये छोटा वाला पैकेट है। एंड ऑल्सो आई गॉट दिस टू मिनीज मेबेलिन का प्राइमर, फिट मी का मैट प्लस पोरलेस प्राइमर्स, ये भी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था, आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई आउट, तो मैंने इसको दो पिकअप कर लिया, चॉइस होती है ना, तो मैंने बस दो पिकअप कर लिया। सो या वी आर गोइंग टू ट्राई दिस आउट एंड सी के कैसा वर्क करता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क करता होगा। गाइस बस दो प्रोडक्ट बचे हैं, वी आर ऑल अबाउट टू एंड दिस वीडियो। नेक्स्ट है ये कप्स एंड लैशेज का कवर कैप्सूल फाउंडेशन। मेरे पास इतने फाउंडेशन हैं दैट आई वॉन्ट टू यूज देम अप, और मैं नए नहीं बाय करना चाहती, बट मैं कप्स एंड लैशेज का कवर कैप्सूल्स बाय करना चाहती थी बहुत टाइम से। मेरा शेड है लाइट हनी 303 एंड ये 300, ओ वाओ इसके दो डब्बे हैं मतलब दो ढक्कन हैं, एंड ये कुछ निकल जा, वाओ वाओ द फॉर्मूला इज सो मूजी, बहुत मूजी फॉर्मूला है, एंड आई एम फीलिंग लाइक कि ये मीडियम टू फुल कवरेज है, लाइक बिल्डेबल सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मूला है। यस इट इज बिल्डेबल सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मूला, आई कैन सी दैट, वाओ वेरी प्रिटी। कफ्स एंड लैशेज ऑल कमिंग सून, यू सी कितने ब्यूटीफुली सब हाइड कर दिया इसने,
पीछे लिप लाइनर्स पे. नेक्स्ट अप आई हैव एड्स गुडनेस का ये स्विस लव सैंडलवुड पाउडर. आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई दिस आउट बिकॉज मैं फेस पैक्स यूज़ करती हूँ, बट आई वॉन्ट कि कुछ ऐसा पाउडर्स एंड ऑल हो जो मैं पानी में मिलाकर अपने फेस पे अप्लाई कर सकूँ. सो आई गॉट दिस वन. ये 99 रुपीज़ का है एंड ये 50 ग्राम है, काफ़ी लंबा चलेगा. सो या विद दिस आई एंड अप दिस वीडियो. और ये है वो सबूत जो मैंने आपको अच्छे से हॉल दिखाया है कि नहीं, बता देना. बहुत टाइम बाद हॉल शूट करा है तो बहुत ही इधर उधर सॉर्ट ऑफ अ हॉल रहा है. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना. कोई भी प्रोडक्ट आप ट्राई आउट कर चुके हो और कोई और प्रोडक्ट ट्राई आउट करना चाहते हो जो मैं चाहते हो कि मैं ट्राई आउट करूँ, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद. एंड कफ्स एंड लैशेज फुल वीडियो, डेप्थ इन मेकअप, फुल फेस ऑफ कफ्स एंड लैशेज कमिंग सून. सो स्टे ट्यून्ड. एंड या अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स. आई लव यू गाइस अ लॉट.